पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे वो ना, मैं आपको रेखा जी से मिलना था, एक सेकंड बेटी। अरे माँ, ये है रेखा जी, मेरी संतान। मस्त। ये है हमारे होने वाले। समझ गई। इसके लिए इन्होंने मेरे बेटे का रिश्ता मना किया है क्या इसमें? और ये है तन्वी, पल्लू की बड़ी बहन, राकेश की पत्नी और ऑफ कोर्स रेखा जी की डॉटर इन लॉ। हाय। आप ठीक है? मेरे ठीक होने से क्या होता है, पल्लू ठीक होनी चाहिए। सर क्या हुआ? आदत डाल दीजिए, ये तन्नु का तरीका है बात करने का, समझ जाओगे तुम आराम से। करेक्ट। हमारी जो तन्नू है ना, वो अलग टाइप का ही तड़का है। आइए साड़ू साहब, आपको घर दिखाता हूँ। साड़ू और सड़ू में बस इतना सा फर्क होता है। नहीं कम चल, आता हूँ। आती हूँ मैं भी। अरे सुन पापा, तू मेरी बात सुन। पल्लू तैयार है कि नहीं, तू पहले वो चेक कर, उसे किसी चीज की कमी तो नहीं है। हाँ प्लीज जाओ जाओ। सुन, मैं पापा को कैसे बताऊं कि आकाश और पल्लवी एक दूसरे से प्यार करते हैं? मैंने पूछा नहीं है, लेकिन रेड वाली तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू, लेकिन मैं येलो वाली पहनूंगी। सैंडविच खा लेना। येलो के साथ पिंक वाली चूड़ियां बहुत अच्छी लगेंगे। आकाश, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, तुम खिला दो प्लीज। मुझे पता है तुम हॉट हो। शुरू नहीं करते हैं पल्लवी। सिद्धांत परेशान अप हो गया होगा, मैं तो शायद मेरी हेल्प चाहिए हो। आता हूं। तूने बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है, मैं बता रहा हूँ पल्लू। मोंटी, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, तू इन सब में मत पड़ प्लीज। मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मैं जाके बता रहा हूँ। मोंटी, तुझे मेरी कसम है, अगर तूने किसी मोंटी, तू जा, मुझे रेडी होना है। जा। मैं हेल्प करती हूँ तेरी। अब नहीं दी, मैं कर लूंगी, आप पापा को देख लो। मोंटी तुम जाओ। पल्लू, तू आकाश से प्यार करती है? वो बल्ब को क्या हुआ, ठीक करो ना, नहीं तो चेंज कर दो उसको। आकाश, आकाश, लाइट ऑल द कैंडल्स अगेन। आकाश, हाँ जी अंकल, कुछ दिखा रहा था तुम्हें। जी
सिद्धार्थ के लिए। कैसी लगी? अच्छी अंकल। बहुत अच्छी। ग्रेट। अच्छा सुन, आज शाम का क्या प्लान है? सरप्राइज है अंकल, तुम अभी कैसे बता सकते हो? यार मुझे तो बता सकते हो। अंकल थोड़ा सब्र कीजिए, ट्रस्ट मी अच्छा ही होगा। आई एम श्योर, आई ट्रस्ट यू, भरोसा है। बस तुम और भालू खुश होने चाहिए, है ना? थोड़ा देर से समझती हूँ, लेकिन समझती हूँ, सच है ना ये? अब नहीं दी, ये किसने बोला आपको? क्या बात कर रहे हो आप? वो राहुल और रिंकू बात कर रहे थे, तब सुना मैंने। अरे वो तो बच्चे है ना। आकाश ने प्रपोज किया ना तुझे? किया था कि नहीं? फिर तूने क्या कहा? तू प्यार करती है ना उससे? हाँ दी। मुझे लगा ही था। ये तू क्या कर रही है पल्लू? प्यार किसी से और शादी किसी और से? तू हंस क्यों रही है? दी आराम, सच में कितने क्यूट हो। दीपू दी को यहाँ आना चाहिए था, बहुत मजा आता। तू ना मुझे कंफ्यूज मत कर, मैंने खुद सुना है राहुल और इनको के मुंह से। दी यार, हम बच्चों की बातें सुन के यहाँ आ गए? सीरियसली, उल्टा आपको तो उन दोनों के कान पकड़ के उनसे पूछना चाहिए था, कहाँ से सीख रहे हो ये सब? वो नहीं पता, लेकिन तू श्योर है ना पल्लो? दीप, आकाश और मेरे बीच यू नो व्हाटएवर, दी वो मेरे ही रोके का सारा काम संभाल रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि मैं पल्लवी नहीं सिमरन हूँ और आकाश आकाश नहीं राज है, और हमारे पिताजी अमरीश? चुप कर दी, सीरियसली, आकाश ने ही तो मदद की थी ना पापा की सिद्धांत को चूज करने में, तो आप ये सब क्या बोल रहे हो? हाँ मैं कितना डर गई थी। दी अब हो गया ना सब क्लियर? प्लीज इस बारे में और किसी से डिस्कस मत करना, वरना सच में रायता फैल जाएगा। और ये क्या, आपने कोई अच्छी हेयर स्टाइल ही नहीं बनाई, ऐसी नॉर्मल बाल लेके आ गए हो। अशोक, अरे वो फूलों का टोकरा अब तक नहीं आया, कहाँ पर है? हाँ, और केटर से बात करो जल्दी। दीदा जी, आपका सर कहाँ हो यार, तुम कहाँ रह गए तुम? हाँ पल्लवी के घर तो नहीं पहुँच गए तुम? चुप, पल्लवी के घर ही हूँ, क्यों क्या हुआ? क्यों क्या हुआ मतलब? चुप, एक सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ पल्लवी और सिद्धांत के लिए। पागल हो गया क्या? हाँ एक कुर्बानी के लिए करो, अवार्ड नहीं होता है। तेरे को अवार्ड चाहिए, अवार्ड कमाना है ना, तो घर आ, तेरे को 10 तरीके बताता हूँ अवार्ड कमाने के। क्या चाचू? अच्छा मैंने अपने इमोशंस को ना उस दिन के लिए छुट्टी भी भेज दी है, आप प्लीज घर पे संभाल लेना, रख रखता तो आकर सुन आप। और कुछ तो हो नहीं पाया, जैसे कि सरप्राइज है जो शायद तुम्हें जिंदगी भर याद रहे। पल्लव, आकाश से बात हुई अभी मेरी, उसने बताया है कि तुम सब पहुंचो रेस्टोरेंट पे, वो बाद में ज्वाइन कर लेगा। मतलब किसी काम में उलझा हुआ है, अभी ईयर एंड है तो काम का लोड ज्यादा ही होगा, छुट्टी मिलना भी मुश्किल है, हैं? तो वो आकाश सच बोल रहा होगा। ओके ओके, मैं कोई ड्रामा नहीं करूंगा, लेकिन बात तो सुननी पड़ेगी ना तुम्हें। ये मल्होत्रा की डील थी कि मैं तुम्हारे पास आके तुमसे केस वापस लेने के लिए कहूं, लेकिन दीप्स मैं तुम्हारे पास आया, एक बार भी तुमसे कहा मैंने कि तुम ये केस वापस ले लो? आई डिडंट। तुमने आधा पौना मैसेज पढ़ा और तुमने कुछ भी समझ के गलत मतलब निकाला इस चीज का। प्रॉब्लम मल्होत्रा नहीं और ना ही प्रॉब्लम मैसेज, प्रॉब्लम ये है वरुण कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि इशू क्या है। क्या इशू? मैं सुन रहा हूं। मल्होत्रा की डील सुनने के बाद तुम्हारे मन में ख्याल भी कैसे आया कि तुम मुझसे बात करोगे केस वापस लेने के लिए? तुमने मल्होत्रा को तभी के तभी मना क्यों नहीं किया? तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो यार, मेरे और मल्होत्रा के बीच में कोई डील नहीं हुई है, कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ हमारे बीच में। नॉट इनफ, नॉट इनफ। अगर उस दिन तुमने मेरी बातें नहीं सुनी होती तो
तुमने तो जाके मल्होत्रा के साथ डील कर ली होती ना। तुमने सुना कि मैं तुम्हारे सपोर्ट की तारीफें कर रही हूँ, कसीदे पढ़ रही हूँ। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।